हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीराम क्लासेस में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 गणित जो आपका 2024-25 का जो सिलेबस है उनके अनुसार आपकी जो प्रश्नावली एक है उसका सॉल्यूशन, जो पहली प्रश्नावली है परिमेय संख्या उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो एक प्रश्नावली आपके 1.1, उसमें आपके केवल दो ही सवाल हैं। पहला सवाल ये है जिसमें आपको गुणधर्म के नाम लिखना है और दूसरे सवाल में भी आपको केवल गुणधर्म का नाम ही बताना है। तो अगर आप परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं और उनका गुणधर्म जानते हैं तो ये दोनों सवाल बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में देख लेते हैं, फिर इसके गुणधर्म और इन दोनों सवालों को हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर पी और क्यू दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, जहाँ पर Q का मान है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो शर्तें आपको इसमें याद रखनी है, P और Q पूर्णांक होते हैं और Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जैसे 2/3 परिमेय संख्या है, -4/5 परिमेय संख्या है, 7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 7 को हम 7/1 के रूप में लिख सकते हैं। बटे में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा और कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो वे संख्या जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब परिमेय संख्या का कुछ जो गुण है वो आपको इसमें देख लेना है। पहला गुण आपके हैं क्रम विनिमय का नियम। तो क्रम विनिमयता, तो क्रम विनिमयता क्या होती है वो हम इसमें देख लेते हैं। क्रम विनिमय का मतलब ये होता है कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदल करके उनको गुणा करें या जोड़ करें उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप a इंटू बी लिखे या फिर b इंटू ए लिखे, दोनों के उत्तर बराबर ही आएंगे। इसी प्रकार से आप a प्लस बी लिखे या फिर b प्लस ए लिखे, दोनों ही क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, चाहे आपका गुणा हो या फिर आपका जोड़ हो। तो ये क्रम विनिमय का नियम है। तो जैसे 2/3 इंटू 4/5 ये गुणा करो या 4/5 को गुणा करो 2/3 से, दोनों के उत्तर बराबर ही आते हैं। इस नियम को हम कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। यानी कि क्रम बदलने पर गुणा में इनका उत्तर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप चाहे तो 2 को चाहे 3 से गुणा करें या 3 को 2 से गुणा करें, दोनों के उत्तर कितने आएंगे, 6 ही आएंगे। इसी प्रकार से 2 में आप 3 को जोड़ें या 3 में 2 को जोड़ें, दोनों के उत्तर 5 ही आएंगे। तो चाहे 2 को 3 से गुणा करें या 3 को 2 से, ये क्रम विनिमय का नियम पालन करते हैं। या 2 में 3 जोड़ें या 3 में 2 जोड़ें, दोनों के उत्तर 5 ही आते हैं, ये भी आपके क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा नियम जो आता है वो आता है आपके साहचर्य का नियम। दूसरे नंबर का जो नियम है वो आपके साहचर्य का नियम। साहचर्य क्या होता है, इसको साहचर्य भी कहते हैं और सहचरिता भी कहा जाता है। सहचरिता भी कहते हैं, साहचर्य या सहचरिता। इसमें क्या होता है, कोई मान लो तीन संख्या है, तीन नंबर अपने पास में ए बी और सी, इनके ऊपर आपको सहचरिता का नियम लगाना है। तो उसमें ये भी आपके एक तो जोड़ के लिए लागू होता है और एक गुणा के लिए लागू होता है। आप चाहे इसमें a प्लस बी प्लस सी करो, ठीक है, और इधर आप कर लें a प्लस बी प्लस सी, इसमें दो दो के जोड़े बना के जोड़े जाते हैं। चाहे तो आप पहले a और b को जोड़ के फिर c को जोड़े, या फिर पहले a और a को बाद में जोड़े, पहले b और c को जोड़ दें, तो उनके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमने संख्या लिए, मान लो a का मान 2 लिया, b का मान 3 लिया और c का मान 4 लिया, तो a और b को जोड़ेंगे, यानी कि 2+3 करेंगे और फिर उसमें 4 को जोड़ेंगे, या 2 को बाद में जोड़ेंगे, पहले 3 और 4 को जोड़ेंगे, दोनों के उत्तर अगर सेम आते हैं तो ये साहचर्यता के नियम का पालन करता है। तो इसको हम देख लेते हैं, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 2 को बाद में जोड़ेंगे, पहले 3 और 4 को जोड़ते हैं जो कितना आएंगे, 7, 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इसके भी उत्तर 9 आए, इसके भी उत्तर 9 आए, इसका मतलब ये साहचर्य नियम का पालन करता है। यानी कि तीन में से किन्हीं दो संख्याओं को पहले जोड़ करें या गुणा करें और बाद में तीसरी संख्या से गुणा करें तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वही नंबर आता है। इसलिए योग और गुणा साहचर्य नियम का पालन करता है। इसी प्रकार से अब आपका एक और नियम आता है इसमें, जो आपके गुणन तस्मा के रूप में जाना जाता है। तो परिमेय संख्याओं का अगला जो नियम आता है वो है, गुण है वो आपके योज्य तस्मक। योज्य तस्मक का मतलब जोड़ करने पर वही नंबर आ जाए। तो जैसे a है, अब a में ऐसी क्या संख्या जोड़े कि वापस आपको a ही मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, आपके 0 हो जाएगा।
तो योग के लिए योजी तस्मक क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। योजी तस्मक का जो मतलब होता है वो कितना होता है, वो जीरो, वही नंबर आने पर आपको जीरो जोड़ना पड़ेगा तभी वही नंबर आपके आएगा। इसी प्रकार से सेकंड आता है इसका गुणन तत्समक, योजी तत्समक के साथ में ही आपके आता है गुणन तत्समक। गुणन तत्समक का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या में किससे गुणा करें, किसी भी संख्या को ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि वही नंबर वापस आ जाए, तो उसके लिए आपको संख्या याद रखनी है एक। तो एक को चाहे आप किसी से भी गुणा करेंगे वही नंबर वापस आपके आता है, उसको हम लिखेंगे ये a इंटू एक बराबर आपके a ही आएगा। तो ये आपके गुणन तत्समक और योजी तत्समक के उदाहरण हैं। जैसे आप दो में जीरो जोड़े तो भी आपके दो ही आएगा, और इधर ये इस प्रकार के ये जो जीरो है वो आपका योजी तत्समक है, और यहाँ पर आपको दो को गुणा करें एक से तो भी आपके दो ही आएगा। इधर जो आपका एक है वो आपका क्या हो जाएगा, गुणन तत्समक होगा। तो गुणन तत्समक क्या होता है, एक होता है, और योजी तत्समक क्या होता है, जीरो होता है। इसके अलावा दूसरा आता है आपके गुणन और योज्य प्रतिलोम। चौथा जो गुण आता है वो आपके योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि उस संख्या का उल्टा करते हैं। जैसे आपको ए का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, ए का योज्य प्रतिलोम, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा। ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का ए होगा, या फिर माइनस के ए का योज्य प्रतिलोम पूछे तो आपके प्लस का ए हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का आपको योज्य प्रतिलोम पूछे, जैसे आपको पूछे कि दो का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, संख्या है अपने पास में दो, तो दो का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस के दो हो जाएंगे, दो का योज्य प्रतिलोम माइनस के दो आएंगे। यानी कि प्लस का होगा तो उसको माइनस में बदल देंगे, और माइनस का होगा तो उसको प्लस में बदल देंगे। जैसे माइनस के चार हैं तो माइनस के चार का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के चार का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस के चार, या माइनस के चार बटा पाँच है तो भी उसका योज्य प्रतिलोम प्लस के चार बटा पाँच हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आपको योज्य प्रतिलोम निकालते हैं। योज्य प्रतिलोम के साथ में एक और आता है गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम में उसका उल्टा करते हैं, तो गुणन प्रतिलोम में उसका उल्टा करते, जैसे आपके पूछ जाए कि ए का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, ए का गुणन प्रतिलोम, तो ए का जो गुणन प्रतिलोम है वो क्या हो जाएगा, एक के बटे में ए आ जाएगा। और अगर ए बटा बी का पूछा आपको तो ए बटा बी का जो गुणन प्रतिलोम है वो बी बटा ए हो जाएगा। तो सीधा सा आपके उत्तर इसका ये निकलेगा कि जैसे आपके पास में संख्या मान लो दो, आपसे पूछा जाए कीजिए कि इस दो का गुणन प्रतिलोम बताओ, दो का गुणन प्रतिलोम क्या आएगा, तो दो का जो गुणन प्रतिलोम है वो हम क्या लिखेंगे, एक बटा दो लिखेंगे। इसी प्रकार से आपसे पूछे कि माइनस के तीन बटा चार का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपके चार बटा माइनस का तीन। तो ये जो संख्या है इसका केवल क्रम बदल देते, ऊपर की संख्या को नीचे लिख लेते, नीचे के ऊपर लिखते, ये हम गुणन प्रतिलोम में करते, जबकि योज्य प्रतिलोम में क्या करते, उसका निशान बदल देते, प्लस का हो तो माइनस में, माइनस का हो तो प्लस में। एक और आता है आपका वितरण नियम, एक नियम और आपको इसमें याद रखें, वो है आपके वितरण नियम, वितरण नियम, या इसको वितरकता का नियम भी कहते हैं। तो ये आपका वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसको। जैसे आपके सामने है वितरण नियम, हमारे पास में संख्या है जैसे ए प्लस बी इंटू सी, या ए प्लस बी इंटू सी, ए इंटू बी प्लस सी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम इसमें कि ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये जो नियम है इसको हम वितरक का नियम कहते हैं। अब इसी पर आधारित आपके जो पूरे जो प्रश्नावली 1.1 उसके सवाल हैं। जैसे पहला सवाल, पहला सवाल आपके ये है कि प्रत्येक गुणधर्म के, ये सवाल आपके पहला, प्रत्येक गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम आपको लिखना है। ये संख्या है हमारे पास में, हमारे पास में संख्या है ये चार बटा पाँच, संख्या है हमारे पास में माइनस के चार बटा पाँच इंटू, इसको गुणा कर रहे हैं आपके एक से, तो ये आपकी क्रम बदल रहा है वापस, एक इंटू माइनस के चार बटा पाँच, और उसका उत्तर कितना आ रहा है, वही माइनस के चार बटा पाँच आ रहा है, तो वही आ रहा है उत्तर। इसका मतलब ये क्या है, गुणन
तत्समक है, उसमें आपको क्या लिखना है, गुणन तत्समक लिखना है, गुणन तत्समक। इसमें कौन सा नियम है, पहले में आपको लिखना है गुणन तत्समक, ये नियम आपको इसमें लिखना है। सेकंड नंबर पे ये है कि माइनस के 13/17 इंटू माइनस के 2/7, तो पहले माइनस के 2/7 लिख लिया और बाद में लिख लिया माइनस के 13/17, यानी कि ये वही नियम है, ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, दोनों के उत्तर सेम ही आएंगे, ये आपके क्रम विनिमय का नियम है। तो इसमें आपको दूसरे में लिखना है क्रम विनिमय, तो दूसरे में आपको लिखना है क्रम विनिमय नियम। तीसरा जो है आपके माइनस के 19/29 को गुणा कर रहे हैं 29/-19 से, यानी कि इस संख्या के इसके जो गुणन प्रतिलोम है इससे हम गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक उत्तर आएगा, तो इसका जो उत्तर लिखेंगे हम इसमें गुणन प्रतिलोम लिखेंगे, गुणन प्रतिलोम। तो पहले में तो लिखना आपको गुणन तत्समक, दूसरे में क्रम विनिमयता और तीसरे में लिखना आपको गुणन प्रतिलोम। अब जो दूसरा सवाल है वो ये है कि बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 को 6×4/3 या 1/3×6×4/3 लिखेंगे, तो ये कौन सा नियम हुआ, ये आपका वितरण नियम हो जाएगा, ये कौन सा नियम होगा आपके, एक मिनट इसको वापस देखते हैं। ये इस प्रकार से है a×b×c बराबर आपका है a×b पहले है और बाद में है c, तो ये जो नियम है वो आपका सहचारिता का नियम कहलाता है, इसमें हम लिखेंगे दूसरे में सहचारिता, सहचारिता नियम, बस ये चारों ही नियम आपको इसमें लिखने हैं और ये आपकी पूरी प्रश्नावली समाप्त। तो इसी प्रकार से आपको बाकी की सभी प्रश्नावली के सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएंगे, लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो एंड्रॉइड ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको जो और भी आपकी जो तैयारी वो करवाई जाएगी, इसके अलावा आपका जो NMS की जो तैयारी है वो आपको पूरी यहाँ पर करवाई जाएगी ताकि आपको जो स्कॉलरशिप मिल सके। NMS परीक्षा में 8वीं क्लास के बच्चे परीक्षा देते हैं और इसमें हर साल अगर सिलेक्शन हो जाता है तो हर साल आपको 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि 4 साल तक आपको 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिलती है। और भी सवाल आपको कुछ समझ में नहीं आता, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7568-35-0069, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पे वीडियो के रूप में भेज दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।